सलाना। मैडम हम यहाँ हनीमून पर आए हैं, सोने के लिए नहीं है। दिल ही नहीं चाह रहा उठने का, दिल चाह रहा है सोती रहूं, सिर्फ सोती रहूं। अच्छा चलो रात में आके दोबारा सो जाना। तुम्हें पता है यहाँ सामने एक ब्रिज है, वहां से सनसेट का व्यू देखने ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट जाते हैं। आपको पता है जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे आ रही थी ना, मैं तब ही इतना इम्प्रेस हो गई थी कि यहाँ से तो कहीं से भी सनसेट देखो इतना खूबसूरत ही लगेगा, है ना? जब भी मैं कहूँ यहाँ आगे तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। बीवी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती ना आपको? अच्छा सुनो, अपने घर वालों को फोन करके अपनी खैरियत बता दो, खामखी परेशान हो रहे होंगे वो। हाँ वो मैंने लुबना को फोन किया था लेकिन लुबना शायद बिजी है, इस वजह से मेरा फोन नहीं उठा रही थी। चलो बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करते हैं, आप जाए मैं आती हूँ। लुबना सॉरी, हम बालखान का स्कूल नहीं चलाते, आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता। अरे एडमिशन किसको चाहिए, मैं तो बस थोड़ा सा इल्म हासिल करने आया हूँ। कैसा इल्म? बस ये पता करना है कि महबूब आपके कदमों में कैसे आता है। अगर आप मुझसे सीखेंगे तो महबूब कदमों में नहीं बल्कि सदमों में चला जाएगा। जैसे आप हमें लेकर आएंगे। अरे अरे मैंने क्या किया? फिलहाल तो आपने इस गर्मी में खड़ा करके बुरा हाल कर दिया हमारा। हाँ कह तो आप ऐसे रहे जैसे मैंने आपको बुलाया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस पास से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना आपको कुछ खिलाने ले जाऊं। पहले खिला दें और उसके बाद अम्मी की डांट पे खिला दें। क्या हो गया, मैंने कौन सा पूरा दिन मांग लिया, बस एक घंटे की बात है फिर घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है लेकिन मुझे एक घंटे में घर वापस पहुंचा देना। डन डन डन, आ जा आ जा।